नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बेडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं Redmi 6 Pro का एक कैमरा रिव्यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। Redmi 6 Pro में आपको रियर में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिनमें से मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट पे आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए देख लेते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है और इससे आप कैसे फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। डेलाइट में फोटोज़ कैप्चर करेंगे तो काफ़ी अच्छे फोटोज़ आते हैं। फोटोज़ में डिटेल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छा रहता है। कलर्स यहाँ पे थोड़ा एनहेंस किया जाता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखने में ठीक लगता है। ओवरऑल रियर कैमरे की पिक्चर क्वालिटी से मैं काफ़ी खुश हूँ। और यहाँ पे डुअल कैमरे की मदद से आप बैकग्राउंड ब्लर वाला या फिर बोके इफेक्ट वाला फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा काम करता है और एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सिर्फ लोगों पे ही नहीं, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट मोड काम करता है। लेकिन लो लाइट में रियर कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। लो लाइट में आपको डिटेल्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और फोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आपको नोटिस में आएंगे। और लो लाइट में कलर्स जो है कलर्स भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओवरऑल पिक्चर बहुत ही अननेचुरल लगता है। तो यहाँ पर नाइट के टाइम में मुझे पिक्चर क्वालिटी उतना पसंद नहीं आया। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में आपको ठीक ठाक डिटेल देखने को मिल जाएंगे। 5 मेगापिक्सल के कैमरे के हिसाब से फोटोज़ में डिटेल्स काफ़ी अच्छे आते हैं और फोटोज़ का कलर टोन भी टूवर्ड्स नेचुरल आता है। लेकिन यहाँ पे फेस को थोड़ा ब्राइट बनाया जाता है, जिसकी वजह से फोटो थोड़ा अननेचुरल लग सकता है, लेकिन ओवरऑल सेल्फी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रंट में से सिंगल कैमरे से भी आप सेल्फी बोके वाला फोटो कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे भी बोके काफ़ी अच्छा काम करता है और ओवरऑल बहुत अच्छा सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। लो लाइट में फ्रंट कैमरे से भी आप उतने अच्छे फोटोज़ कैप्चर नहीं कर सकते। फ्रंट कैमरे में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिल जाएंगे और फोटोज़ में डिटेल की भी कमी आ जाती है। तो ओवरऑल लो लाइट में इसका कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा। रियर में से आप मैक्सिमम फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फुल एचडी वीडियो में आप इमेज स्टेबिलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो काफ़ी स्टेबल है। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप अगर इमेज स्टेबिलाइजेशन को ऑन करेंगे तो काफ़ी अच्छा वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के दौरान कंटिन्यूअस ऑटो फोकस काम करता है, कंटिन्यूअस ऑटो फोकस ठीक ठाक काम करता है, थोड़ा स्लो है लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक काम कर जाता है। तो दोस्तों ये था Redmi 6 Pro का एक कैमरा रिव्यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।